ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैदपुरा सोपोर की है। और इलेक्शन होने के बाद हमारे असेंबली इलेक्शन भी होंगे ताकि उस वक्त भी हमें जमहूरी हक मैसर हो। वोटिंग अमला जो है कल यहां पहुंच चुका था और आज लोग मतदान कर रहे हैं। कि रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड ही नहीं, एक रिकॉर्ड सेट होगा, टूटे। अस्सलाम वालेकुम, हम यूएसए से यहां पे आज वोट डालने के लिए आए हैं। आप किस गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, ये पूरा निर्भर करता है आपके वोट पे। अस्सलाम वालेकुम, हम यूएसए से यहाँ पे आज वोट डालने के लिए आए हैं क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री में रह चुकी हूँ और मैंने देखा है वहाँ की कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। हम 100 सालों में भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी बिल्कुल यूएसए के कंपैरिजन में आए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे पास रोज़गार हो। ये ड्रग्स जो आजकल जिसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान जा रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। मैंने अपना वोट डाला है और मैं चाहती हूँ कि जितने भी यूथ है और यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग है, जो भी घरों में है, आप आइए, आप वोट डालिए क्योंकि ये वोट हमारा हक है और इसी वोट से हमारी आगे की ज़िंदगी, आगे की नस्लें आबाद हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं बाहर की कंट्रीज़ में रही, वहाँ मैंने देखा सारे यूथ इंडिपेंडेंट है, सबके पास सारी फैसिलिटीज़ है। दे कैन मूव अराउंड द वर्ल्ड, दे कैन गो एवरीवेयर। हम 100 सालों में भी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारा कश्मीर भी उसी जगह पहुँचे और हमारा कश्मीर भी आबाद हो जाए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ जाए, हमारे पास वो सारे राइट्स आ जाए जिसका हमें हक है। इसलिए हमारा वोट डालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम यूएस से कम नहीं है, हम किसी कंट्री से कम नहीं है, बट हमारे पास हुकूमत नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम सही इंसान को वोट डालें, जो इंसान हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए कुछ कर सके। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से कि आप आइए और अपना वोट डालिए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक वोट कास्ट करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट देती है कि हम अपना वोट कास्ट करें। और इसकी अहमियत ये है कि हर एक वोट काउंट होता है और ये एक एजेंट होता है, एजेंट बनता है फॉर चेंज के लिए। आप किस गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, ये पूरा निर्भर करता है आपके वोट पे जी। और जो ये आज का जो ये सिस्टम है, जो ये आज का जो ये हालात है, ये हमने एक डेवलपमेंट के लिए और एक चेंज के लिए हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि हमें उम्मीद है ये जो उम्मीदवार कल तक जिस जज्बे के साथ अपनी कैंपेन रात दिन कर रहे थे, इसी जज्बे के साथ जो भी कामयाब हो जाएगा, उसी जज्बे के साथ ये हमारे लिए दिन रात काम करे और हमारी जो आवाज़ है वहाँ बन के वहाँ पे मुखातिब करे। और ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक उम्मीदवार, दो या तीन उम्मीदवार उस हाउस में हो तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकते। अगर एक भी बहादुर आउटस्पोकन उम्मीदवार वहाँ पे 600 उम्मीदवारों के मुकाबले वहाँ पे हमारी बात रख पाएगा कि वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे। ये जो पार्टिसिपेशन है हमारे, ये जो वोट है हमारे, ये इसीलिए है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो हमें जख्म लगे हैं इससे पहले उन पे मरहम हो। बस यही मौका है यूथ के लिए, यही मौका है हम लोगों के लिए। हम ऐसे नुमाइंदे आगे भेजें जो हमारी बात कर सके, जो माजी में जो गलतियाँ हुई है उनको सुधारे और जो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हुकूमतें हैं, हमारे लिए काम कर सके। शुक्र है अल्लाह का, ये लोगों का ये वलवला देख के, जोश देख के इंसान खुश हो रहा है और ये नज़रिया अंदाज़ा कर सकता है अभी ही कि शाम की 4-5 बजे तक हमारा सारा रास्ता खुल गया होगा इंशाल्लाह। तो कहे कि रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड ही नहीं, एक रिकॉर्ड सेट होगा, टूटेगा नहीं, एक नया रिकॉर्ड सेट होगा और वो रिकॉर्ड ऐसा होगा जो आने वाले वक्त में कभी इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। और यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं और लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने देखा, पहले बारामूला में, बारामूला गर्ल्स हायर सेकेंडरी में, वहाँ पे भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और उसके बाद ब्राट सोपोर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कानिसपुरा बारामूला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिन भर हम दिखाते रहेंगे पूरे अपडेट्स इलेक्शन के हवाले से, आप बने रहें हमारे साथ। मुझे लगता है कि हमारे इस बारामूला को, खासकर हमारे नॉर्थ एरिया को,
ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो यहाँ पे हमारे लिए आगे के रोज़गार और हमारे भाइयों और सबको जो भी बंद है जो भी हमारे मामलात हैं 0 से लेकर 10 तक उन सबको हल करें।